बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह अपना फजल और करम आप पर बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो घर के सादा मिसालों से बनेंगी और बिल्कुल भी जायका में कोई फ़र्क नहीं होगा। देखने में भी चिकन पॉपकॉर्न KFC के लगेंगे और खाने में भी। तो उसके लिए एक कप दूध लिया है, ये फ्रेश दूध है। इसमें एक चम्मच सिरका डाला है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देना है। तो 10-15 मिनट के बाद ये बटर मिल्क तैयार हो गया। देखिए, ये इस तरीके से होगा। तो ये परफेक्ट बटर मिल्क तैयार हुआ है। अब इसमें 2 चौपकी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है और 1 चम्मच नमक डालना है इसमें, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है, आधा चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च डालनी है। अच्छे से मिक्स कर देना इन तमाम चीज़ों को। और उसके बाद इसमें बोनलेस चिकन डालना है। ये आधा किलो चिकन है, तो इसमें ये डाल दिया। इस साइज़ की बोटी ली है बोनलेस पॉपकॉर्न के लिए। अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। इतना बटर मिल्क हो कि इसमें चिकन डिप हो जाए। अब इसमें आधा चम्मच लहसुन पाउडर डाला है, 1 चम्मच हॉट सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस का शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर ज़्यादा टाइम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तो उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा, कि बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त सा चिकन पॉपकॉर्न तैयार होगा। तो इस तरीके से कवर करके इसको फ्रिज में रख देना है। इतनी देर में ये मैदे में कुछ चीज़ें शामिल करनी है। 2 कप मैदा, इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं और 1/4 चम्मच नमक डालना है इसमें, काली मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स डालनी है इसमें, कुटी लाल मिर्च से कहते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। तो अब ठंडा पानी भी ले लिया है। अब इस तरीके से करना है कि जो चिकन मैरिनेट किया था उसको लेकर सबसे पहले मैदे में इस तरीके से डिप किया, फिर पानी में जस्ट 1 से 2 सेकंड, और उसके बाद फिर से मैदे की कोटिंग, हाथ से हल्के हल्के प्रेस करना है इसको, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना, हल्का हल्का प्रेस करना है बिल्कुल ऐसे, फिर झाड़ लिया। और ये देखिए, ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई। बस ये देखिए, इस तरीके से तमाम चिकन पॉपकॉर्न्स की कोटिंग करते जाना है। ये देखिए, ये दूसरे वाला भी इसी तरीके से। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें तमाम कोट किए हुए चिकन के पीसेस डाल देने हैं और 5 मिनट के बाद ये देखिए, ज़बरदस्त सा चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गया। इसी तरह तमाम चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई कर लेना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।